आज मैंने लंच के लिए आलू बैगन फ्राई बनाया है और ये बहुत टेस्टी रेसिपी है देखने में ये जितनी टेम्पिंग है उतनी ही खाने में स्वादिष्ट है इसे आप रोटी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं चावल दाल के साथ सर्व कर सकते हैं यहाँ तक की आप इसे लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं बहुत प्यारी सी रेसिपी है ये इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पे बैंगन और आलू तो मैं जो कलौजी वाले बैंगन आते हैं ना लंबे वाले उसका इस्तेमाल कर रही हूँ आप इसे बनाने के लिए कोई सा भी बैंगन इस्तेमाल कर सकते हैं और अब हम इसे कट करके चेक कर लेंगे कि इसमें कोई इम्प्योरिटीज तो नहीं है कीड़े तो नहीं है ना बैंगन में थोड़ी सी ये शिकायत जरूर रहती है और यहाँ पे इसे हम ऐसे लंबे पीसेस में कट करेंगे तो देखने में ना सब्जी और बढ़िया लगती है तो बस आपको क्या करना है कि इस तरीके से लंबे इसके पीसेस कट लेने हैं और यहाँ पे जो इसका डंठल वाला पार्ट है ना वो मैं नहीं हटा रही हूँ वो तो जब सब्जी में इस तरीके से जाता है तो बहुत टेस्टी लगता है तो आप चाहे तो इसे हटा सकते हैं या फिर आप इसे जैसे मैंने रखा है वैसे भी रख सकते हैं और बैंगन को कट करते वक्त आप इसे पानी में ज़रूर डालें नहीं तो ऐसे छोड़ देने पे ये बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं तो आलू हो या फिर बैंगन हो इसे कट करके तुरंत तुरंत पानी में डालें और यहाँ पे दो बड़े साइज के मैंने आलू ले लिए हैं और इसे भी हम इस तरीके से स्लाइसेस में कट करेंगे और ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे क्योंकि बैंगन जल्दी पक जाता है और आलू थोड़ा सा टाइम लेता है तो उसी हिसाब से इसकी थिकनेस रखेंगे हम आलू की देखिए यहाँ पे इसे ना मैंने ज़्यादा मोटा रखा और ना ज्यादा पतला रखा है अच्छी तरीके से तीन चार पानी हम धो लेंगे तब तक जब तक कि ये अच्छे से साफ ना हो जाए और इसे पानी में ही हम एक साइड रखेंगे अब एक पैन में हम डाल देंगे एक से दो बड़ा चम्मच तेल थोड़ा सा इसमें मेथी दाना डालेंगे थोड़ा सा इसमें जीरा डाल देंगे और हींग डाल देंगे ये बेसिक सा तड़का है जो आपको डालना है और उसके बाद अब हम यहाँ पे आलू और बैंगन को एक साथ ही फ्राई करेंगे अगर आपने आलू के थोड़े मोटे पीसेस कर दिए हैं, पहले आप थोड़ा आलू को फ्राई कर लीजिए उसके बाद बैंगन को फ्राई करके निकालिए और फिर तड़का लगाइए मैंने यहाँ पे बहुत मोटे पीसेस नहीं रखे हैं आलू के तो दोनों को एक साथ ही फ्राई करेंगे और अब हम क्या करेंगे इसे ढक के तीन से चार मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे और यहाँ पे देखिए ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं बस बीच में मैंने ऐसे स्पेस कर दिया थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन हम इसमें भुनेंगे अगर हम लहसुन को पहले डाल देते ना तो वो जल जाता है इसे क्योंकि हमें थोड़ा सा फ्राई करना है तो इस स्टेज पर आप यहाँ पे लहसुन डालें अगर आपको पसंद है तो थोड़ी सी हरी मिर्च भी स्लीट करके डाल सकते हैं वैसे एकदम ही सूखे मसालों के साथ इसे बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है अब हम फिर से इसे ढकेंगे दो से तीन मिनट के लिए ताकि आलू थोड़ा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो देखिए आलू बैंगन बढ़िया से भुन गया और यहाँ पे अब हम मसालों का इस्तेमाल करेंगे अगर मसाले हम पहले डाल देंगे तो ये जल जाएगा तो हल्दी पाउडर नमक थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा ही गरम मसाला डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो अचार का मसाला आता है या फिर भरवा जो कलौंजी बनाते हैं उसका मसाला आता है तो उसे आप डाल सकते हैं आधे चम्मच के जितना तो मेरे पास तो ये मसाला है ये थोड़ा सा दर्द रहा है तो मैं साइड से निकाल के आधी चम्मच के जितना डाल रही हूँ और इसी मसाले के साथ ये जो सब्जी है ना बहुत टेस्टी बनती है तो ये मेन मसाला आप बोल सकते हैं इस रेसिपी का अब इन सब को अच्छे से मिला के दो से तीन मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे जब तक कि आलू और बैंगन अच्छे से क्रिस्प ना हो जाए तो बहुत ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है आपको इसे ढक ढकढक के टोटल आपको सात से आठ मिनट लगेगा इस रेसिपी को तैयार करने में और बहुत बढ़िया बहुत टेस्टी रेसिपी बन के ये तैयार होती है तो देखिए देखने में कितनी मजेदार लग रही है ना और अब फ्लेम ऑफ करने से पहले थोड़ा सा इसमें आमचूर पाउडर डाल देंगे क्योंकि हमने खटास के लिए कुछ भी ऐड नहीं किया है और ये रेसिपी बिना टमाटर के बनाई जाती है तो बस लीजिए हमने अच्छे से इसे मिला दिया और अब हम इसे गर्मा गर्म रोटी पराठे चावल दाल किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखिए आलू बहुत अच्छी तरीके से पक चुके हैं तो यहाँ पे हमारी ये मजेदार रेसिपी तैयार है आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा और अगर वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय